इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि आप कैसे पिंटरेस्ट से यूएस का ट्रैफिक ला सकते हो। यूएस का ट्रैफिक इधर बहुत ज़्यादा मेन रहता है आपके ब्लॉग की अर्निंग के लिए। आपको बहुत ही अच्छी खासी इनकम यहाँ से होने लगती है अगर आप यूएस से अपने ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक लेके आते हो। और ये हमारे पिंटरेस्ट कोर्स का पार्ट वन है। इस पार्ट को देखने के बाद आप नेक्स्ट पार्ट को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इस पार्ट में हम सीखेंगे कि हम इधर पे बेसिक सेटिंग्स को कैसे कंप्लीट करें, कैसे अपना अकाउंट को इधर पे खोले, कैसे हम बोर्ड्स और पिन को बनाएं। तो जल्दी से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग पे आपको इधर पे पिंटरेस्ट वेबसाइट जो है सर्च करना है गूगल पे, एंड इसमें जाकर के आपको एंटर करना है। और आप कोई सा भी अपना इधर पे जीमेल यूज़ कर सकते हो और फ्री में आपका इधर पे एक अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इधर पे जस्ट एक बार आपको दिखा देता हूँ। ऐसे करके आपको पिंटरेस्ट का होम पेज दिख जाएगा। आपको साइनअप बटन के ऊपर क्लिक करना है और अपना जीमेल इधर पे एंटर करना है एक अकाउंट को क्रिएट करने के लिए। अगर आप इधर पे फ़ोन यूज़ करते हो तो फ़ोन के लिए आपको जो इधर पे पिंटरेस्ट का ऐप मिल जाएगा जिसको आप आराम से इधर पे यूज़ कर सकते हो, उधर पे भी सेम यही प्रोसेस है। ठीक है, मतलब उधर पे भी ऐसे ही करके आ जाएगा। आपको जीमेल यूज़ कर लेना है, नहीं तो फेसबुक यूज़ कर लेना है, और उससे आप एक फ्री अकाउंट इधर पे क्रिएट कर सकते हो। और बहुत ही ईजी रहेगा, फ़ोन पे भी सेम रहता है और पीसी में भी सेम रहता है। बस फ़ोन पे इधर पे जो बिज़नेस अकाउंट अगर आपको क्रिएट करना है तो आपको इधर पे गियर वाली सेटिंग पे जाना होगा, आइकॉन के ऊपर क्लिक करके। मैं वो आपको बता दूंगा अभी आपको कैसे करना है। ठीक है, तो इधर पे आप देख सकते हो मेरा इधर पे जीमेल आ गया साइड में, बट मैं इधर से दिखाए तो कभी कभी किसी किसी के इधर से नहीं आता है। तो जस्ट मैं इधर पे करता हूँ कंटिन्यू विद गूगल। ओके, आपको ये वाला सबसे पहले कर देना है और इधर पे अपना गूगल अकाउंट सिलेक्ट करना है। तो मैं जस्ट इधर पे अपना गूगल अकाउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ आपके सामने। तो जस्ट इधर मेरा गूगल अकाउंट आ गया एंड इसके अंदर मैं एंटर कर लेता हूँ। और ऐसे करके जो है ये मेरा अकाउंट इधर पे ले लेगा, एंड इसके बाद थोड़ी बहुत कन्फर्मेशन के बाद मेरा एक फ्री अकाउंट यहाँ पे पिंटरेस्ट में क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे जो है पिंटरेस्ट में अपने अकाउंट को पूरा सेटअप कर सकता हूँ। और आपको भी सेम वैसी वे में करना है और आपको इधर फ्री बिजनेस अकाउंट बनाना है। अभी आपका जो इधर पे एक पर्सनल अकाउंट बनेगा और उधर पे आपको एक गियर सेटिंग मिलेगी जिसमें आपको सबसे पहले जाना है एंड जा करके इधर पे बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना है और वो एकदम फ्री रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपको वो एक बार दिखा देता हूँ। स्टेप में आपका अकाउंट कुछ ऐसा दिखेगा, आपको इधर पे नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करते ही जो है आपका इधर पे जो है एक फीड आ जाएगा आपके सामने। तो मैं जस्ट एक बार आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको ये वाली जो सेटिंग्स रहती है कंप्लीट कर देनी है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ। तो ऐसे करके मैंने सिलेक्ट कर लिया एंड ये ऑटोमेटिक आते जाएगा। आपको लैंग्वेज ये सब सिलेक्ट कर देना है और ऐसे करके नेक्स्ट कर देना है। ओके, तो जस्ट मैंने इधर पे कर दिया सब कुछ एंड इधर पे आ रहा है कि मेरे को फीड में अपने क्या क्या चाहिए होगा, किस चीज़ में मैं इंटरेस्ट रखता हूँ। तो जस्ट ऐसे करके आपको सिलेक्ट करना है आपका वेबसाइट जिस भी नीच के ऊपर हो, जैसे कि आप देख सकते हो मेरा टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादातर होता है, तो मैं इधर पे उससे रिलेटेड चाहिए जो भी रहता है वो कर लेता हूँ सिलेक्ट। ठीक है, आप ऐसे करके कर सकते हो और अपने नीच के हिसाब से जो है आपको इधर पे जो ट्रैफिक मिल जाएगा। तो जस्ट मैं इधर पे सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इधर पे आपको हर एक टाइप के कैटेगरी के लिए ट्रैफिक मिल जाता है, इवन कॉमेडी के लिए भी। तो इधर पे कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, तो ट्रैफिक तो बहुत ही अच्छा खासा आपको जो है इधर से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने डन कर दिया और ऐसे करके आपका पूरा फीड तैयार होगा इसी के बेसिस पे। और अभी जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे इधर पे अकाउंट सेटअप कर सकते हो और खुद के पिंस और बोर्ड्स क्रिएट कर सकते हो जिससे आपको इधर पे जो है ट्रैफिक आएगा अपने वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, जस्ट मैं इधर पे ये सब कट कर देता हूँ एंड इधर पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जस्ट आप देख सकते हो आपके अकाउंट के नीचे आपको ऐड अनदर अकाउंट मिलेगा एंड इधर पे लिखा होगा ऐड फ्री बिजनेस अकाउंट। तो आपको इधर पे क्लिक करना है ऐड फ्री बिजनेस अकाउंट के ऊपर। और देखो, फ़ोन यूजर्स के लिए अब आता है इधर बात कि भाई आपको एक आइकॉन मिलेगा, गियर आइकॉन। ठीक है, सेटिंग्स टाइप का ही, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है अपने, देखो आपको अपने इधर पे आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, प्रोफाइल आइकॉन जो रहता है उसके ऊपर क्लिक करना है, उधर पे आपको एक गियर आइकॉन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके जो है आपको भी क्रिएट ए बिजनेस अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। वो मेन्यू जो आपके सामने ओपन होगा उसमें क्लिक करने का। ठीक है, उधर से आपको भी एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर लेना है जैसे कि मैं इधर पे दिखा रहा हूँ। तो इधर पे आप देख सकते हो गेट स्टार्टेड मैंने कर दिया और ऐसे करके आपको जो क्रिएट करना है अपना बिजनेस अकाउंट। और बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने से आप अपने पिंस के पूरे स्टैट्स देख सकते हो, मतलब कितने व्यूज़ आए, कितने इंप्रेशन आए। और व्यूज़ आने के बाद आपने जो लिंक लगाई थी अपनी इमेज में या फिर वीडियो पिन में, उसके थ्रू क्लिक कितना हुआ है। ठीक है, मतलब आप पूरा ट्रैक कर सकते हो, तो ट्रैकिंग बहुत ही अच्छी खासी हो जाती है इधर पे। तो एक
चीज मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। तो ट्रैक कर सकते हो आप पूरा पूरा कितने सारे क्लिक इधर पे आ रहे हैं, ठीक है। तो वो सब हो जाएगा। अभी मैं इधर पे नाम दे, तो आपको अपने वेबसाइट के हिसाब से पूरा नाम इधर पे देना है, ओके। तो जैसे कि आपका वेबसाइट किसी भी टॉपिक के ऊपर है वो भी दे सकते हो, नहीं तो अपने वेबसाइट का ही नाम इधर पे डाल दो। तो मैं जैसे कि इधर पे डाल दे रहा हूँ पिंटरेस्ट कोर्स, ओके। और आप इधर पे जो है थोड़ा बहुत आगे चीज़ें भी ऐड कर सकते हो खुद की मर्ज़ी के हिसाब से, वो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है, उससे ज़्यादा अच्छे से मालूम चलता है सामने वाले की किसके बारे में आपका अकाउंट है। तो इधर पे मैं लिख दे रहा हूँ पिंटरेस्ट कोर्स, डू यू हैव अ वेबसाइट, नॉट येट करूँगा कुकी, मैं इधर वेबसाइट नहीं लगा रहा। और देखो आपकी तो वेबसाइट होने वाली है इधर पे, तो आपको इधर पे अपने वेबसाइट का पूरा URL डाल देना, ओके। तो मैं इधर पे नहीं डाल रहा, तो नॉट येट करके करूँगा एंड नेक्स्ट इधर पे मैं कर देता हूँ, ओके। तो आपको ये चीज़ देख लेनी है। एंड उसके बाद व्हाट्स द फोकस ऑफ योर ब्रांड, इधर पे आ जाएगा कि आपका इधर पे जो वेबसाइट है वो किस चीज़ के बारे में होगा, तो वो डाल दो। आप जैसे कि देख सकते हो पूरी कैटेगरी आपको मिल जाएगी। तो बेसिकली हमारा एजुकेशन के रिलेटेड होगा। अगर उसके भी पार आपका ज़्यादा है तो आप अदर सिलेक्ट कर सकते हो और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हो, ओके। फिर आप इधर पे क्या हो, ब्लॉगर हो, इन्फ्लुएंसर हो, क्या हो, तो मैं इधर पर ब्लॉगर सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड नेक्स्ट कर लेता हूँ, ओके। तो ऐसे करेंगे आप, अभी ये पूछ रहे ऐड रन करोगे क्या, इधर पे कर लेना आई एम नॉट श्योर येट, ओके। तो ऐसे करके कर लेना, हो जाएगा आपका पूरा एक काम। एंड इसको जस्ट मैं कट कर लेता हूँ और इधर पे रेडी हो गया आपका फ्री का बिजनेस अकाउंट। और ऐसे ही करके आपको तैयार करना है अपना फ्री का बिजनेस अकाउंट। उसके बाद आप इधर पे जो है पिंस को ऐड कर सकते हो और आपको अच्छा खासा ट्रैफिक इधर पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जस्ट मैं एक बार दिखाया तो कैसे ये दिखने में आपको लगने वाला है। और इधर पे जो आपको बोलेगा टॉपिक्स आपको पिक करने वापस से, जैसे कि आप देख सकते हो। तो जस्ट मैं इधर पे टॉपिक्स को पिक कर लेता हूँ। आपको कभी कभी ऐसे बोलेगा अगर कुछ भी एरर आ जाता है तो वापस से ही बोल देता है, तो हर बार नहीं बोलेगा। तो जस्ट मैं इधर पे कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ सबसे, एंड डन मैंने कर दिया। तो इधर पे हमारा पूरा फीड तैयार हो गया है, सब कुछ आ गया है। और फीड रखने से क्या होगा कि आपको भी आइडिया मिलता रहेगा कि लोग अभी क्या डाल रहे हैं, किसके ओर व्यूज आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप भी एक वीडियो तैयार करके इधर पर डाल सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो। तो अब आपको इधर पर जो अपने अकाउंट को सेटअप करना है, अकाउंट को सेटअप करना बहुत ही मेन इधर पर रहने वाला है। तो अब देखो इधर पर आपको जाना है अपने अकाउंट के ऊपर, ओके। जस्ट मैं इधर पे चले आता हूँ मेरे अकाउंट के ऊपर। तो मैं इधर पे अपने अकाउंट के ऊपर आ गया, ओके। अब इधर पे आपको अपने अकाउंट में सेटिंग्स करनी है, जैसे कि आप देख सकते हो। और इधर पे जो है आपको अपना जो वेबसाइट रहता है वो क्लेम करना है, मतलब आपका वेबसाइट जो इधर पे वेरीफाई करना है अपने अकाउंट के ऊपर, जो वेबसाइट आपने इधर पे लगाई है, और वो बहुत ही ज़्यादा ईजी यहाँ पर रहता है। अपने वेबसाइट को क्लेम करने के लिए आपको बस इधर पे सेटिंग्स के ऊपर आ जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद क्लेम का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इधर पे अपने वेबसाइट का URL डालो। एंड वो डालने के बाद आपको क्लेम बटन के ऊपर क्लिक करना है। और इधर पे जो है थोड़ा आपको HTML कोड देगा हेडर के नीचे लगाने के लिए आपके वेबसाइट के। तो ब्लॉगर में जो आपका हेडर के नीचे आप एडसेंस का कोड लगाते हो, उसी के नीचे जो है आपको इसका एक कोड लगाना है, ये कोड आपको देगा। और वो करने के बाद आप जब क्लेम करोगे तब आपका वेबसाइट इधर पे जो है वेरीफाई हो जाएगा और इधर पिंटरेस्ट को मालूम चल जाएगा कि हाँ वो आपकी वेबसाइट है। और आपके वेबसाइट की URL में एक टिक लग जाएगा अकाउंट के साथ, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, आपको करनी चाहिए। और उससे जो है ट्रैफिक आएगा क्योंकि वो एकदम आपके डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, मतलब इधर पर ही दिख जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ इधर पर रहेगी। एंड सेटिंग्स में एक और चीज़ मैं फिर से दिखा देता हूँ कि इधर पर जो आपका डिस्प्ले नेम रहेगा इसमें आप क्या करते हो वो सब डाल सकते हो। जैसे कि मैं इधर पे जो है अच्छे से अब कर देता हूँ, ऑप्टिमाइज कर देता हूँ सैम करके। और आपका अगर इधर पे आप प्राइवेट नाम नहीं डालना चाहते हैं तो आप इधर पे डाल सकते हो वेबसाइट का नाम। एंड उसके बाद आपका जो भी इधर पे कैटेगरी या फिर कुछ भी आप अगर लिखना चाहते हो, तो मैं लिख रहा हूँ टेकी, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ टेकी एंड मेरा इधर पे डन हो गया, थोड़ा आई कैचिंग बन गया इधर पे। तो आपको ये चीज़ इधर पे कर देनी है। एंड ऐसे करते ही देखो आपका अकाउंट जो है थोड़ा सा प्रोफेशनल टाइप में इधर पे दिखने लग जाएगा। और इधर पे आपके प्रोफाइल के बारे में अभी आपको लिखना है, ठीक है। आप ब्लॉगर हो क्या हो, वो सब आपको चीज़ें इधर पे जो है डाल देनी है, और वो बहुत ही मेन इधर पे रहती है। तो आप इधर पे डाल दो आई एम ए ब्लॉगर हु राइट्स अबाउट टेक और एनीथिंग एल्स, ऐसे करके कुछ भी आप डाल दो। मैं इधर पे जस्ट जो है छोटा सा लिख रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। आप 20 to 30 words में लिख दो, आई एम ए ब्लॉगर हु टॉक्स अबाउट टेक, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने लिख दिया एंड इधर मैं सेव कर लेता हूँ, ओके।
आप इधर पे बाकी सब चीज़ें भी डाल सकते हो, मैं डाल नहीं रहा क्योंकि वो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन में आता है, तो जस्ट मैंने ऐसे करके डन कर दिया। ओके, तो ऐसे करके मेरा अकाउंट इधर पे तैयार हो गया पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ, नाम के साथ, और इधर पे हमारा जो वेबसाइट रहेगा वो भी हम क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कैसे क्लेम करना है, बहुत ही ईजी रहता है। प्रोफाइल पिक को चेंज करना भी बहुत ही ईजी है, आपको बस इधर पे जाना है अपनी सेटिंग्स के ऊपर, और सेटिंग्स में जाने के चेंज बटन के ऊपर क्लिक करना है, और इधर से आप पिक्चर को चेंज कर सकते हो। और जैसे कि मैंने इधर पे आपको बताया कि इधर पे आप क्लिक कर सकते हो, इधर पे क्लिक करने से आप अपने कवर को चेंज कर सकते हो, मतलब आपके पीछे क्या दिखेगा, तो आप एक बैनर बना सकते हो आपके प्रोफाइल के पीछे लगाने के लिए। जैसे कि मैंने इधर पे आपको बताया कि इधर आपको प्रेस करने से मिल जाएगा एक ऑप्शन, और इधर पे प्रोफाइल के लिए आपको सेटिंग में जाना है। तो ये चीज़ें हमने इधर पे देख ली बेसिक सेटिंग्स के अंदर। अब हम सीख लेते हैं कि भाई हम इधर बोर्ड को कैसे क्रिएट करेंगे एंड पिन्स को कैसे डालेंगे। ओके, तो ये अब हमारा आ जाता है लास्ट पार्ट इस वाले वीडियो का। तो देखो, इधर पे सबसे पहले आपको बोर्ड्स को बनाना रहता है। बोर्ड्स आपको बहुत ही अच्छे बनाने, मतलब आप अगर टेक्स्ट लिख रहे हो तो उसमें टेक्स्ट की जो भी पिन्स, आप पिन्स मतलब इमेजेस या फिर वीडियो पिन्स जो भी आप इधर पे डालोगे वो टेक वाले कैटेगरी में डालोगे। एंड अगर इधर पे आपका फूड का है तो फिर फूड वाले हैं, फूड वाली चीज़ें डालोगे। मतलब आप एक अकाउंट में अलग अलग कैटेगरीज को कवर कर सकते हो, कोई नया अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि आपने इधर पे जो है एक बना रखा है टेक का, तो उसमें आप टेक के इमेजेस और वीडियोस डालोगे। और एक और अगर आपने इधर बना रखा है कोई भी अलग चीज़ का, जैसे कि फूड या फिर किसी और चीज़ का, तो उसके ऊपर जो है आप चीज़ें डाल सकते हो बोर्ड बना के फूड वाला। ओके, तो बहुत ही सही इधर पर होने वाला है। एंड इधर पे वीडियो पिन्स की देखो मैं बताए तो लेंथ जो है 1 मिनट तक होने वाली है, 1 मिनट से ऊपर आप इधर मत डालो, कोई इतनी लंबी देखता भी नहीं और डलेगी भी नहीं इधर पे। तो जस्ट इतना मेरे को कहना था कि वीडियो पिन कितनी लंबी आप डाल सकते हो और फोटो पिन आपको कैसे डालनी है। और देखो इधर पे जो है आपको एक फॉर्मेट साइज में डालना है, तो इधर पे आपको साइज मिल जाएगा, आप पिंटरेस्ट की जो पॉलिसी है साइज देख सकते हो। और नहीं तो इधर पे बहुत लोग अपने जो है वीडियो पिन्स डाल के रखते हैं, आप उनका डाउनलोड करके इधर पे साइज देख सकते हो। ओके, तो इधर मैं क्रिएट कर देता हूँ एक पिन, जैसे कि मैं पिन क्रिएट करने से पहले अपना बोर्ड क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि ये रहा मेरा बोर्ड टेक वाला। ओके, तो ऐसे करके मैं रख रहा हूँ, और कीप दिस बोर्ड सीक्रेट करने से प्राइवेट हो जाएगा, आपको प्राइवेट नहीं रखना है क्योंकि ये पब्लिक रहेगा तो ही लोगों को दिखेगा, तो ये आपको क्रिएट करके इधर पर रख देना है। ओके, तो इधर पर हमारा बोर्ड क्रिएट हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हो। अभी मैं इसको जल्दी से डन कर देता हूँ, अभी तक मैंने इधर पे कोई पिन नहीं डाली है। और देखो आप दूसरों के अकाउंट से भी पिन जो है डाल सकते हो अपने बोर्ड के अंदर, लेकिन उससे क्या हो कि आप उधर पे अपनी लिंक नहीं लगा पाओगे, बस उनकी पिन लगा पाओगे, मतलब उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आपकी फ्रेंडशिप बनेगी दूसरे अकाउंट्स के साथ। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप दूसरे के पिन्स को भी अपने बोर्ड के अंदर डालो। अब ये बोर्ड जो होता है ये आपका एक सेक्शन होता है, ठीक है? तो जस्ट मैं आपको इधर पे ऐड करके दिखा देता हूँ पिन, ठीक है? पिन आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो, ये तो आप इधर फ्रंट पे जा करके भी ऐड कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप फ्रंट में कहाँ पे ऐड कर सकते हो पिन्स को, ठीक है? पिन्स को आप उधर पे भी डाल सकते हो और इधर पे भी डाल सकते हो। नहीं तो कुछ लोग कहेंगे कि भाई हम उधर पे जाके डालते हैं, तो इधर पे मैं दिखा रहा हूँ कि उधर पे भी डाल सकते हो और इधर पे भी क्लिक करके डाल सकते हो। ओके, जैसे कि आपने देखा इधर मैंने क्लिक किया एंड इधर पे भी हमें एक ऑप्शन मिल गया, तो जस्ट इसको मैं कट कर लेता हूँ एंड इधर पे हमें पिन डालने का ऑप्शन मिल गया। तो देखो पिन इधर मैं डाल के आपके सामने दिखा देता हूँ, तो मैं कोई सा भी इमेज सेलेक्ट कर लूँगा अभी रैंडमली और आपको दिखाऊँ कि आप कैसे करके इधर पे डाल सकते हो। देखो अगर आपके पास यहाँ पे एक वीडियो है, ठीक है, इंस्टाग्राम टाइप का कोई वीडियो है, तो वो आप डाल दो तो वो एक वीडियो पिन होगा, और अगर इमेज है तो इमेज डाल दो तो एक इमेज पिन होगा, ठीक है? और वो आपको एक बोर्ड सेलेक्ट करके डालना होगा। तो अभी जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं इधर पे काइन मास्टर करके डाल देता हूँ, और इधर मैं लिख दूंगा मोड APK ऑफ काइन मास्टर, ठीक है? और इधर पे जो आपका डिस्क्रिप्शन रहेगा ये भी ऑप्टिमाइज्ड रहना चाहिए, इसमें भी आपका पूरा कीवर्ड जो है आना चाहिए, ये बहुत ही मेन यहाँ पे रहता है गाइस, ये आपको देख लेना है, ठीक है? मैं इधर पे जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ क्योंकि हमें इस पार्ट में सिर्फ बेसिक सीखना है, आगे वाले पार्ट्स में ये पूरी डिटेल में रहने वाली है जैसे कि आप देख सकते हो। तो ऐसे करके पूरा रहेगा फ्री डाउनलोड। ओके, तो ऐसे करके आपको तैयार कर लेना है, और आप हैशटैग्स भी ऐड करो, हैशटैग्स बहुत ज़्यादा मेन रहते हैं, पिंटरेस्ट में हैशटैग भी बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो आपको इधर पे लिख देना है हैशटैग, ठीक है? तो हैशटैग भी इधर पे आपको ऐड कर देना है, जैसे कि मैं ऐड कर रहा हूँ आप देख सकते हो, हैशटैग
मोड एप्लीकेट। तो ऐसे करके जो है आपको हैशटैग्स का यूज कर लेना अपने डिस्क्रिप्शन में और कीवर्ड्स का, जिससे कि अगर सर्च करता है कोई भी, तरफ पे सर्च होता है ठीक है, यूट्यूब की वीडियोस की तरह गूगल में जैसे कंटेंट सर्च करते हैं वैसे ही करके इधर पे भी सर्च होता है, तो मैं वो जस्ट दिखाता हूँ और इधर पे आपके आर्टिकल का लिंक आएगा। ओके, तो जस्ट मैं क्या करता हूँ कि यही लिंक इधर पे ऐड कर देता हूँ। आपको देखो जैसे कि इधर पे काइन मास्टर लगाया है और मैंने काइन मास्टर के ऊपर एक आर्टिकल लिखा है, तो मैं जस्ट वही डालूंगा ताकि लोग मेरे वेबसाइट के ऊपर आए तो बाउंस बैक ना कर जाए, और अगर वो ऐसे करके तो भाई आपकी अर्निंग तो होगी नहीं, बंदा आके चले गया। तो आप अगर काइन मास्टर करके ऊपर ही लिख रहे हो तो भाई काइन मास्टर का ही पिन बनाओ तो ही अच्छा रहेगा। तो अभी जैसे कि मैंने काइन मास्टर के ऊपर कुछ लिख दिया, तो इधर पे मैं जैसे कि लिंक इधर पे लगा देता हूँ, फिर मैं इधर पे अपना बोर्ड सिलेक्ट कर देता हूँ कि भाई इधर पे टेक के ऊपर है, तो टेक मैंने सिलेक्ट कर दिया और पब्लिश कर दी। इधर पे 2 सेकंड के अंदर ही ये पूरा आपका जो है पब्लिश हो जाएगा और आपको देखने को मिलेगा। तो सी इट नाउ करता हूँ मैं और आपको दिखाता हूँ इधर पे ठीक है। तो इधर पे आप देख सकते हो Pinterest.com। ओके, तो क्लिक करती ये भी ऐसे करके खुल जा रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो ऐसे करके आपको ट्रैफिक आएगा, मतलब इधर पे लोग सर्च करके आएंगे और आपके जो है अकाउंट के थ्रू इधर पे जाने वाले ठीक है, मतलब इधर पे सर्च करके आएंगे, इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो पहुंच जाएंगे आपके वेबसाइट के आर्टिकल के ऊपर। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपली मैंने आपको इधर पे समझा दिया कि आपको इधर बेसिक चीज़ें कैसे करनी है, कैसे आपको बोर्ड इधर पे तैयार करना है और कैसे आपको पिन इधर पे तैयार करना है, और ऐसे करके जो है आपका एकदम सिंपल वे में पिंटरेस्ट का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आप बेसिक चीज़ें जो है बड़े आराम से सीख जाओगे पिंटरेस्ट के बारे में, जैसे कि मैंने आपको इधर बताया था। और मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो पिंस को भी ऐसे ही डाला जाता है, कोई और साइड नहीं है। इधर पे जैसे कि मैंने इमेज को सिलेक्ट किया था, तो आपको वीडियो को सिलेक्ट करना है और सेम ऐसे ही वे में अपलोड करना है, सेम ऐसे ही टाइटल और डिस्क्रिप्शन के वे में वो भी डल जाएगा इधर पे ठीक है। तो बहुत ही ईजी था जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये एकदम ईजी वे में हो भी गया। जब आप अपना बोर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लो, तब आप अपने बोर्ड के अंदर इधर पे डिस्क्रिप्शन भी लगा सकते हो, और डिस्क्रिप्शन लगाने से और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है और वो बोर्ड अच्छे से ग्रो होता है ठीक है। आप बोर्ड का भी कवर लगा सकते हो, जैसे कि मैंने प्रोफाइल का बताया था, आपके ऊपर है कि आप कवर लगाते हो कि नहीं लगाते ठीक है। और इसके बाद आप लोगों को भी ऐड कर सकते हो, मतलब अपने बोर्ड को इधर पे शेयर कर सकते हो और एक ग्रुप बोर्ड बना सकते हो, और आप दूसरों के ग्रुप बोर्ड में भी जा सकते हो, उससे और भी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होती है। मतलब आप दूसरों के साथ अगर कनेक्ट होते हो इधर पिंटरेस्ट में तो आपकी ग्रोथ और भी ज़्यादा होगी, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप दूसरों के साथ कनेक्ट ज़रूर हो, क्योंकि उससे साइट का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ता है और मैं भी ऐसे ही करता हूँ। जैसे कि इधर पर आप देख सकते हो कि हमारा बोर्ड इधर पे था टेक, अब डिस्क्रिप्शन में मैं इधर पे जो है टेक से रिलेटेड चीज़ लिख सकता हूँ, जिससे कि ये बोर्ड हमारा पूरा ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा। जैसे कि मैं इधर पे लिख सकता हूँ गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट टेक्नोलॉजी ठीक है। आपको 50 वर्ड्स का कम से कम लिखना है, एकदम कीवर्ड्स के साथ मैं इधर पे कम लिख रहा हूँ, क्योंकि जो इधर पे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और मैं इधर पे कम टाइम में आपको दिखाना चाहता हूँ। ओके, तो आपको थोड़ा सा टाइम इधर पे लेना है, एंड थोड़ा सा टाइम लेके आपको कम से कम एक 50 वर्ड का डिस्क्रिप्शन तैयार करना है फुल ऑप्टिमाइज्ड कीवर्ड के साथ। ओके, ये होने के बाद आप इधर पे डन कर सकते हो और आपका इधर पे काम फिनिश हो जाएगा आपके बेसिक अकाउंट के सेटिंग का। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अब आप पार्ट टू को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पार्ट टू में मैं आपको सिखाऊं कि आप पिन्स को कैसे बना सकते हो जिन पे अच्छा खासा ट्रैफिक मिल जाता है। पूरा का पूरा मैं एडिटिंग सिखाऊं कि कैसे आप कर सकते हो, जिससे कि पिन आपके इधर पे जो प्रोफेशनल टाइप के लगेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पार्ट टू को आप देख सकते हो, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को इधर पे ज्वाइन कर लो ताकि आप ऐसी टाइप के अपडेट्स पा सको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर।